नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा आज का जो विषय है वो है फ्लैट आपका अपना फ्लैट है यानी जिस फ्लैट में आप रहते हैं यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है चाहे हेल्थ इशू है या आपके यहाँ फाइनेंशियली इशू है या आपके काम नहीं बनते तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा सुनिएगा और समझिएगा यदि आप अपने फ्लैट को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो भी आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं सुन सकते हैं समझ सकते हैं यदि आप नया फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूं और अपनी हर एक वीडियो में आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देता रहता हूं आज का जो विषय है वो है फ्लैट फ्लैट जो है वो साउथ वेस्ट फेसिंग है यानी फ्लैट की जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट की बनती है यानी बाहर से आते हैं यानी स्टेट से या लिफ्ट से आते हैं तो आने के बाद एक कॉरिडोर बनता है और कॉरिडोर में ही साउथ वेस्ट के भाग से एंट्रेंस बनती है डोर बनता है यहाँ से अपनी एंट्रेंस बनती है ठीक इसके सामने दूसरा फ्लैट है उसकी जो एंट्रेंस बनती है वो एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट की बनती है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत अच्छी मानी जाती है और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है अब फ्लैट है तो फ्लैट में कहीं ना कहीं एंट्रेंस अच्छी होगी तो अंदर का सिस्टम ख़राब मिलेगा अंदर का सिस्टम सही होगा तो कहीं ना कहीं एंट्रेंस ख़राब मिलेगी जब हम फ्लैट लेने जाते हैं तो फ्लैट में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो चीज़ें चलने लायक हैं उन चीज़ों को चला लेना चाहिए जो चीज़ें चलने लायक नहीं है जिनमें ज़्यादा दोष है तो उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए तो ऐसा फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए आपने ऐसा फ्लैट खरीदा हुआ है या ऐसे फ्लैट में आप रह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने फ्लैट के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले तो जो आपके अपनी एंट्रेंस है साउथ वेस्ट के एंट्रेंस है इस पर आपने ध्यान रखना है साउथ वेस्ट के एंट्रेंस में चौहट में एक हिस्से से लेके यानी लेफ्ट से लेके राइट तक आपने यहाँ पर एक दहलीज लगानी है दहलीज़ आपकी क्रीम कलर की या येलो कलर की होनी चाहिए यानी जो आप यहाँ पर मार्बल की पट्टे लगाते हैं तो वो क्रीम कलर की या येलो कलर की ही होनी चाहिए इसी के साथ आपका जो अपना मेन गेट है जो एंट्रेंस डोर है इस डोर के ऊपर आपने क्रीम कलर का पेंट करवाना है गेट से एंट्री करने के बाद छोटी सी एक एंट्रेंस लॉबी बनती है ये लॉबी आपकी बिल्कुल सही है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इसी के साथ में साउथ वेस्ट के भाग में एक स्टोर दिखाया गया है जिसकी एंट्रेंस यहाँ से बनती है ये एंट्रेंस भी बिल्कुल सही है और ये स्टोर भी आपका हंड्रेड परसेंट ओके है इस स्टोर में भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही जब एंट्रेंस करते हैं तो सेंटर के भाग में आपकी अपनी लॉबी आती है ये लॉबी भी आपकी बिल्कुल सही है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और इसी के साथ में साउथ ईस्ट के भाग में ड्राइंग एरिया आता है ये ड्राॅइंग एरिया भी आपका बहुत बढ़िया है यानी सिटिंग जोन भी आपकी बिल्कुल सही है वेस्ट साउथ वेस्ट के भाग में किचन दिखाई गई है और किचन के साथ में नॉर्थ वेस्ट के भाग में बालकनी दिखाई गई है और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में एक बेडरूम दिखाया गया है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट दिखाई गई है और ईस्ट के भाग में एक बेडरूम है साउथ ईस्ट के भाग में आपका ड्राइंग एरिया है, है और साउथ ईस्ट के भाग में आपकी अपनी बालकनी भी दिखाई गई है एक टॉयलेट साउथ साउथ ईस्ट के भाग में है और एक बेडरूम आपका साउथ के भाग में है इस प्रकार ये अपना फ्लैट बना हुआ है वास्तुशास्त्र के अनुसार इसमें कहाँ क्या क्या कमियाँ है सबसे पहले तो एक एंट्रेंस गलत है दूसरी अपनी नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट बनी हुई है ये सबसे ज्यादा गलत है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आने से आपसी विचार नहीं मिलते कहीं ना कहीं पैसे का भी नुकसान होता हेल्थ इश्यू भी होने के कारण बनते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का भाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ पर कभी भी टॉयलेट को नहीं बनानी चाहिए अब फ्लैट है तो कहीं ना कहीं तो टॉयलेट बनी हुई होगी यदि आपके यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा दूसरी टॉयलेट जो दिखाई गई है वो साउथ साउथ ईस्ट के भाग में दिखाई गई है मेरे अपने अनुभव के अनुसार साउथ साउथ ईस्ट के भाग में भी टॉयलेट अच्छी नहीं है क्योंकि साउथ साउथ ईस्ट के भाग में जब टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर बाथरूम भी बना है और टॉयलेट शीट भी लगी हुई है कमोड़ भी लगी हुई है कमोड़ में दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर जो नहाने का सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि साउथ साउथ ईस्ट के भाग में जब भी फर्श के ऊपर पानी गिरता है तो घर के अंदर बीमारी आती है और बीमारी के कारण पैसे का भी नुकसान होता है तो इसलिए मैं साउथ साउथ ईस्ट के भाग में भी टॉयलेट को अच्छा नहीं मानता ऐसे ही बालकनी जो साउथ ईस्ट के भाग में दिखाई गई है यदि आपने यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाई हुई है तो ये भी आपकी गलत है ये भी हेल्थ इश्यू क्रिएट करती है पैसे का नुकसान करती है ऐसे ही जो किचन वेस्ट साउथ वेस्ट के भाग में दिखाई गई है ये किचन भी आपकी वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छी नहीं है कही कहीं ना कहीं आपस में मतभेद होने के कारण बनते हैं पति पत्नी के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होते उनमें आपस में हमेशा ही खटपट होती रहती है किसके कारण वेस्ट साउथ वेस्ट के भाग में किचन आने के कारण और जो घर में रहने वाले बच्चे हैं बच्चों के भविष्य में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है बच्चों का फ्यूचर अच्छा नहीं होता